करनाल मार्केट कमेटी से निकाले गए कर्मचारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज मंडी बोर्ड द्वारा निकाले गए कर्मचारियों का धरना 100वें दिन में प्रवेश कर गया है, परंतु सरकार एवं मंडी प्रशासन द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, जिसके चलते आज कर्मचारियों द्वारा थाली प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा खाली थाली बजाकर अपना रोष व्यक्त किया गया और लघु सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। वही कर्मचारी नेताओं ने बताया कि मंडी से निकाले गए 22 कर्मचारी लगभग 100 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दोबारा से नौकरी पर रखने की मांग कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदारों द्वारा मंडी में जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं वे उनके चहेते हैं, जिसके कारण पिछले 15 साल से कार्य कर रहे कर्मियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसकी सर्व कर्मचारी संघ भी निंदा करता है और मांग करता है कि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और दोबारा से नौकरी दी जाए। बताते चले कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों द्वारा लघु सचिवालय में थाली बजाकर अपना रोष प्रदर्शन किया गया, ताकि सरकार के कानों तक उनकी बात पहुंचे और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय के सामने की। मार्केट कमेटी से निकाले गए कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि मार्केट कमेटी से निकाले गए 22 कर्मचारी पिछले 100 दिन से धरने पर बैठे हैं, आज लघु सचिवालय में पहुंचकर डीसी से अपनी मांगों के ज्ञापन सौंपेंगे। हम कर्मचारी नेताओं से बात करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सन्नी जी, आज जो मंडी बोर्ड के कर्मचारी हैं, मतलब आज आंकड़ा पार हो गया 100 का। 100 दिन से लगातार ये लोग पहले वह मंडी में बैठे थे, उसके बाद आज डीसी ऑफिस में लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब ये जो कर्मचारी हैं पिछले 10-15 सालों से बड़ी ईमानदारी निष्ठा से मंडी बोर्ड के अंदर सफाई का काम कर रहे थे, लेकिन एक नए ठेकेदार आने से उन्होंने पैसे के साथ सेक्रेटरी से मिलीभगत करी और नए 19 आदमी पैसे लेकर लगा के ये 10-10-15-15 साल से जो काम कर रहे थे इनको हटाने का काम कर रहा। हम लोग उसी दिन से आज लगातार धरना प्रदर्शन करते, बड़े बड़े प्रदर्शन भी करे, ज्ञापन भी दिए, डीसी साहब से भी बात हुई, एसडीएम साहब, क्योंकि चेयरमैन एसडीएम साहब मार्केट कमेटी के, उनसे भी बात हुई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई होने का काम नहीं किया। इसलिए आज आंकड़ा 100 का पार होने की वजह से आज लोग हम थाली प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये थाली खाली है इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके मध्य से हम सरकार से मांग करते हैं कि 22 कर्मचारी को जल्द से जल्द बहाली करने का काम करे और ये गूंगी बहरी सरकार का इस थाली से आज हम उनको जगाने का काम करेंगे। और सब कर्मचारी संघ अपील करता है और ये अब कहीं ना कहीं एक चेताने का भी काम करता है कि भाई अगर ये 22 कर्मचारियों की नौकरी को अगर बहाल नहीं किया गया तो अब ये खाली थाली थाली नहीं बजेगी, आने वाले सरकार की हर प्रकार से हम लोग बजाने का काम करेंगे, चाहे उनकी पोल खोल का अभियान हो चाहे गिराव का काम हो। अब कहाँ जा रहे हैं? अभी हम यहाँ ऐसा घेर करके डीसी ऑफिस के अंदर भी जाओगे। हम तो आप देख रहे थे मंडी बोर्ड से हटाए गए कर्मचारी थाली प्रदर्शन करते हुए, खाली थालियां बजाते हुए लघु सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। 22 कर्मचारी जो पिछले 100 दिन से धरने पर बैठे हैं, आज थाली बजाकर, खाली थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक